सबसे तेज शतक 13 छक्के और 4 विकेट, आईपीएल में खेलेगा धांसु ऑलराउंडर। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं प्रदीप सहगल और आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स कीड़ा क्रिकेट। आईपीएल में ही हमेशा से युवा प्रतिभाएं आती हैं, प्रदर्शन करती हैं, अपना दम दिखाती हैं और खूब वाहवाही बटोरती हैं। एक ऐसा ही खिलाड़ी है जो अब आईपीएल का दरवाजा खटखटा रहा है। इस खिलाड़ी ने सबसे तेज शतक भी जमा दिया है, 13 छक्के भी लगाए हैं और उसी मुकाबले में उसने 4-4 विकेट भी चटकाए हैं। और हो सकता है कि आगे आने वाले आईपीएल के मिनी ऑक्शन में इस खिलाड़ी पर पैसों की बरसात हो जाए। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर कौन है ये खिलाड़ी जिसकी हम इतनी तारीफ कर रहे हैं और कहां पर इसने जमा दिया है सबसे तेज शतक। पूरी डिटेल में आपको बताएंगे, तफसील से समझाएंगे, लेकिन उससे पहले कर लीजिए एक छोटा सा काम। काम आपको क्या करना है, आपको स्पोर्ट्स कीड़ा क्रिकेट के YouTube चैनल और Facebook पेज को सब्सक्राइब और लाइक कर लेना है ताकि आपको क्रिकेट की लेटेस्ट अपडेट्स सबसे तेज और सबसे पहले मिल सके। तो हम बात कर रहे थे सबसे तेज शतक 13 छक्के और 4 विकेट, आईपीएल में खेलेगा तूफानी ऑलराउंडर। दरअसल ये खिलाड़ी ऐसा है जिसने एक ही मैच में मेला लूट लिया। इसने अपनी टीम की जीत में अहम किरदार निभाया। सबसे पहले तो इसने सबसे तेज शतक लगाया, उसके बाद इस खिलाड़ी ने 4 विकेट चटकाए और अपनी टीम की जीत में अहम किरदार निभाया। ये खिलाड़ी कोई और नहीं है, इस खिलाड़ी का नाम है अर्शिन कुलकर्णी। इस खिलाड़ी ने महाराष्ट्र प्रीमियर लीग में सबसे तेज सेंचुरी का रिकॉर्ड बना दिया। इस खिलाड़ी ने सिर्फ 46 गेंदों में ही शतक जड़ दिया और महाराष्ट्र प्रीमियर लीग में सबसे तेज शतक का रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया। दरअसल अर्शिन कुलकर्णी ने पुणेरी बप्पा के खिलाफ खेलते हुए ईगल नायसक टाइटंस के लिए तूफानी बल्लेबाजी की। वो ओपनिंग करने के लिए आए और उन्होंने आते ही ताबड़तोड़ बल्लेबाजी शुरू कर दी और महाराष्ट्र प्रीमियर लीग का सबसे तेज शतक जड़ दिया। उन्होंने सिर्फ 46 गेंदों में सेंचुरी लगाई, लेकिन यहां पर अगर उनकी पारी की बात करें तो उन्होंने अपनी इस पारी में 54 गेंदों का सामना किया और उसमें उन्होंने 117 रन बना दिए और इस दौरान उन्होंने 13 छक्के और सिर्फ 3 चौके लगाए और अपनी टीम की जीत में अहम किरदार निभाया। यह तो हुई अर्शिन की बल्लेबाजी की बात, लेकिन जब वो गेंदबाजी करने के लिए आए तो उन्होंने गेंदबाजी में भी धमाल मचाया और उन्होंने अपनी तेज गेंदबाजी से 4-4 बल्लेबाजों का शिकार किया और अपनी टीम की जीत में अहम योगदान दिया। इसके अलावा आपको यह भी बताएं कि आखिरी ओवर में अर्शिन ने 6 रन डिफेंड किया और सिर्फ 1 रन से उनकी टीम को जीत मिली। तो ऐसे में अब जब आईपीएल का मिनी ऑक्शन होगा तो इस ऑलराउंडर पर सभी टीमों की निगाहें रहेंगी और इस खिलाड़ी पर बड़ी बोली जो है वो लग सकती है, क्योंकि इस खिलाड़ी ने एक ही मैच में मेला लूट लिया। उन्होंने सबसे तेज शतक भी जड़ा, उन्होंने 4-4 विकेट भी चटकाए और डेथ ओवर में बेहतरीन गेंदबाजी करते हुए अपनी टीम को जीत भी दिलाई। तो ऐसे में आईपीएल के मिनी ऑक्शन में इस खिलाड़ी पर पैसों की बरसात हो सकती है। सभी टीमें इस खिलाड़ी को अपने अपने बेड़े में शामिल करना चाहेंगी, क्योंकि इस खिलाड़ी ने एक ही मुकाबले में मेला लूट लिया है। इसने अपनी बल्लेबाजी का दम दिखाया और सबसे तेज शतक जड़ दिया महाराष्ट्र प्रीमियर लीग का। इसके बाद जब गेंदबाजी की बारी आई तो इन्होंने 4-4 विकेट भी चटकाए। इसके अलावा जब आखिरी ओवर फेंकने की बारी आई तो वहां पर डेथ ओवर में भी दमदार गेंदबाजी की और अपनी टीम की जीत में अहम किरदार निभा दिया। तो ऐसे में आईपीएल के मिनी ऑक्शन में सभी टीमें इस खिलाड़ी को अपने अपने बेड़े में शामिल करना चाहेंगी और ऐसे में हो सकता है कि इस खिलाड़ी पर सबसे ज्यादा पैसों की बारिश होती हुई आपको दिखाई दे। तो दोस्तों, अब तो आपको समझ में आ ही गया होगा कि कैसे एक ही खिलाड़ी ने एक मैच में मेला लूट लिया, सबसे तेज शतक भी लगाया, 4-4 विकेट भी चटकाए, 13 छक्के भी लगाए। अब ऐसे में यह खिलाड़ी जो है वो आईपीएल में खेलता हुआ दिखाई दे सकता है। वैसे दोस्तों, आपको क्या लगता है कौन सी टीम इस खिलाड़ी पर दांव लगाएगी और अर्शिन कुलकर्णी को अपने बेड़े में शामिल कर लेगी? कमेंट करके अपनी राय हमें जरूर बताएं और हमें पूरी उम्मीद है कि आपको हमारा ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो स्पोर्ट्स कीड़ा क्रिकेट के YouTube चैनल और Facebook पेज को सब्सक्राइब और लाइक कर लीजिए ताकि आपको क्रिकेट की लेटेस्ट अपडेट्स सबसे तेज और सबसे पहले मिल सके। तो अपने दोस्त प्रदीप सहगल को दीजिए इजाजत, फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, बाय बाय, टेक केयर।